देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। देवरिया के जनपद के विधानसभा शलेमपुर 341 के सपा गठबंधन प्रत्याशी मनबोध प्रसाद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि एक समय था कि देवरिया को चीनी का कटोरा कहा जाता था। अगर हमारी सरकार आएगी तो देवरिया में फिर से सुगर मिलों को चालू किया जाएगा, साथ ही किसानों का गन्ना मूल भुगतान भी कराया जाएगा। साथ ही गन्ना के मूल्य को बढ़ाकर 400 किया जाएगा तथा नौजवानों के लिए 20 लाख नौकरी दी जाएंगी। और कहा कि शिक्षा जो प्राइवेट स्कूलों में दी जा रही है वही शिक्षा और सरकारी स्कूलों में भी दिया जाएगा। 1 से 12वीं तक का फ्री में शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो लैपटॉप भी दी जाएगी बच्चों के लिए तथा उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। 2 साल परीक्षाएं नहीं हुई। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए उदय भान यादव की रिपोर्ट। देखिए उत्तर प्रदेश की जो हालात है, हम विकास और विनाश दोनों की तरफ जाना चाहते हैं। इन्होंने विकास का किया है और विनाश का किया है। छात्र हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, किसान हो, सभी तबके के लोग त्रस्त हैं। यानी ये विनाश का काम किया दोनों ने। विकास के नाम पर क्या किया? हिंदू मुस्लिम, इसमें मुंह से कुछ लगना नहीं है, मुंह से बोल देना, एक भी रुपया नहीं लगना है। जब हम पूछते हैं कि भाई विकास बताओ, उसमें दाम लगना है तो उधर से भाग जाते हैं कि विनाश किया दोनों। और वे अजूबा बात आपसे कहने जा रहा हूँ, इस कोरोना काल में ये 2 साल परीक्षाएं नहीं हुई है, बोर्ड फीस है 699 रुपया, उसमें 1 रुपया मार्कशीट का है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार अगर परीक्षा नहीं कराई है तो बड़ा ईमानदार है, बड़ा ईमानदार का ढिढोरा पीट रही है, तो 1 रुपया मार्कशीट का पैसा काट ले। हम जैसे नौजवान गरीब के बेटों को जो 698 रुपया है वापस कर दे, मैं मान लूंगा कि ये सरकार बहुत अच्छी थी। ग्रामीण लोगों के लिए तो 699 रुपये बहुत बड़ी बात रखती है, बहुत बड़ी बात रखती है। आप 4 किलो गेहूँ दे करके ढिढोरा पीटते हैं और दो हर बच्चों के, हर घरों के बच्चों को आप जो है 698 रुपया लूटने का काम किए हैं। और उसके बाद इस देश में रहने वाले लोग वकालत करते हैं, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस बात को करते हैं, नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हमारे नेता ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, मैं उनको एक सुझाव दिया था कि कोरोना काल के कारण जिनकी उम्र जो जीनियस लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, चाहे किसी जात धर्म के लोग हो, उनकी उम्र 2 साल समाप्त हो गई, वो अब नौकरी में नहीं आ सकते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार बनती है तो 2 साल इनकी उम्र बढ़ा देंगे तो कहीं ना कहीं नौकरी पा लेंगे। किस आशा के साथ मैनिफेस्टो क्या है आप लोगों का? मैनिफेस्टो तो हर बच्चा जानता है कि हम समाजवादी पेंशन जो है 1500 कर दिए और 1 करोड़ महिलाओं को हमने देने का काम करेंगे। किसानों का जो बिजली है मुफ्त रहेगी, 10 लाख नौकरी देने का, रोजगार देने का हमने वादा किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो आज से कर्मचारी अपने पुरानी पेंशन की मांग करते करते इतने सड़क पर दौड़ा कर पीटे गए, उनकी मांगों को कोई सुना नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में अगर हम आते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यदि मुख्यमंत्री बनते हैं, तो हम पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम करेंगे। आप जो 300 यूनिट बिजली जो फ्री देंगे जी, इसको फ्री करने का सिस्टम क्या है आप लोगों के पास? ये हमारे सब घरों में मीटर लगा हुआ है, इस सिस्टम में हर घरों में मीटर लगा हुआ है, मीटर के आधार पर ही अब बिजली की सप्लाई होगी। जी, एक समय देवरिया जिला को चीनी का कटोरा कहा जाता था, लेकिन आज देवरिया जिले के सारी मिलें बंद है, तो इस पर आपकी सरकार क्या निर्णय ले? देखिए, हमारी सरकार तो पहले ही बोली है कि हम उत्तर प्रदेश के राजकोष से पैदा करेंगे, हम भारत सरकार में नहीं है। ये तो सवाल उन लोगों से करना चाहिए जो भारत सरकार के लोग ठेका ले बैठे हैं। हमारे यहाँ 16 चीनी मिलें थी, आज 16 चीनी मिली को बेच दी गई। लेकिन हमारे मैनोफेस्टो में पहला उनका ये आइटम है कि आते ही किसानों का जो गन्ना भुगतान करना है, जो बकाया उसको करूँगा, इतना तो उन्होंने कहा है। लेकिन बाकी शेष बात आएगी, अगर गवर्नमेंट बनती है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस पर भी पाल करने का काम करेंगे। वैसे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला को हम अपने आप नहीं ले सकते हैं। जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने सलेमपुर के सम्मानित जनता को क्या उद्देश्य देंगे? देखिए, हम अपने सम्मानित जनता को 2 चीज़ों पर ध्यान डाला। हमारा पूर्वांचल का एकदम अंतिम छोर है, पूर्वी छोर है। हम जब सुबह टहलने निकलते हैं
तो हजारों 500 की संख्या में नौजवान लड़के सड़क पर दौड़ते हुए मिलते हैं, जो पिछड़े अनुसूचित दलित बैराटी जो बड़े लोग छोट के बच्चे मिलते हैं, तो मेरे अंदर ये होता है कि ये बच्चे आयुष पीछे तो नहीं कर पाएंगे, तो ये वर्जिश कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अपने क्षेत्र में 2 मिनी स्टेडियम बनाऊंगा जिसमें हमारे और आपके घर के बच्चे दौड़ेंगे और वर्जिश करके पुलिस में, सेना में, BSF में भर्ती हुए कम से कम, ये तो अधिकार की बात होगी, ये मैंने सोचा था। दूसरा ये है कि हमारे क्षेत्र में फल मंडी और सब्जी मंडी नहीं है, तो मैं इसके लिए पहल किया हूँ कि ये फल मंडी और सब्जी मंडी के लिए मैं अभी से लगा हुआ हूँ कि सरकार बनते ही पे काम हो जाएगा। तीसरा मुद्दा ये है कि नौलपुर घाट पर पक्के पुल का निर्माण कराया था मैंने, और वित्तीय अनुमति मिली थी लेकिन धन कम हो जाने के नाते नहीं मिल पाया। अगर सरकार बनेगी तो बनते ही वो काम शुरू लगेगा कि कैसे होने लगा ये काम। मैं 3 मुद्दा चुका हूँ। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।